ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
Yeah.
अकाल पुरख प्रभु जी ने सानू इस कार्य वास्ते संसार ते भेजिया कि दुष्टा दा दुखियां दा नाश करना है। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दुखियां ने पकड़ पिछारो, पकड़ के दुखियां दा दुष्टा दा नाश कर दे। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहते मैं अकाल पुरख के चरणों में शीश नवाया। सच्चे पातशाह अकाल पुरख जी जे तुसी रहमत करो, बख्शिश करो, जो तुसी आखोगे कोई मैं संसार से जाके करांगा, जो तुसी हुक्म लावोगे। सतगुरु जी बाणी विच लिखते हैं जेड़ा बीज तुसी संसार से बख्शिश करोगे कि आ बीज संसार से बोना है नाम का सिमरन का बंदगी का, वो मैं एक चंगा बीज संसार से बोवांगा। सतगुरु जी कहते आ भी मैं काम नहीं करांगा जिहड़ा तुसी आख रहे हो। पखाड़ पूजो नहीं ना भेद की जहो कहीं, अनंत नाम गाए हो परम पुरख पाए हो। पत्थर की पूजा नहीं करांगा, पखाड़ पूज हो नहीं ना भेद की जहो कहीं, ना मैं भेखी बनांगा, ऐसा को भेक धारण नहीं करांगा कि एहो जिहा भेक बना लवां कि दुनिया नूं अपने मगर ला लवां। हे प्रभु जी तुहाडा ही हुक्म चलेगा कि तुहाडी पूजा होवेगी, अकाल दी पूजा होवेगी, कि तुहाडा ही उपदेश संसारी लोगों नूं दरनावांगा। ते सतगुरु जी एक वचन होर कर लगे जटा ना शीश धार ना मंदिर का सुधार हो ना काल काहू की धरो कहो प्रभु सो मैं करो। जटा ना शीश धार ना मैं अपने शीश उत्ते जटावा बनावांगा, जोगी नहीं बन जावांगा कि घर पर त्याग के संसार त्याग के जंगलों में छुप के बह जाते सी जोगी गुफावां दे विच कंदरां दे विच। सतगुरु जी कहते मैं आ भी काम नहीं करांगा। जटा ना शीश धार हो ना मंदिर का सुधार हो ना काल काहू की धरो कहो प्रभु सो मैं करो। फिर सतगुरु जी कहते भजो सो एक नाम यंग, ये सारा शब्द जेड़ा है अकाल पुरख के सामने बचन बलास हैं, कोई बचन जेड़े सतगुरु साहब जी ने बाणी द्वारा अंकित करके सानू बख्शिश कीते हैं। भजो सो एक नाम यंग जो काम सर्व थामे यंग, तुहाडा नाम जपांगा एक दा नाम जपांगा तो जिहड़ा काम सौंप दोगे वह काम मैं करांगा, जिहड़ा काम थाप दोगे। जिस तरह खालसा पंथी साजना होर बड़े कार्ज सतगुरु कहते जिहड़े कार्ज सौंप दोगे वह करांगा। भजो सो एक नाम यंग जो काम सर्व थामे यंग ना जाप आन को जपो ना और थाप ना थपो, होर किसे दा नाम नहीं जपांगा तुहाडा नाम ना जाप आन को जपो ना और थाप ना थपो, बेअंत नाम ध्याए हो परम जोत पाए हो, ना ध्यान आन को धरो ना नाम आन को चरो, परम ध्यान धारियंग अनंत पाप धारियंग तमेव रूप राचियन ना आन दान माचियन
तवक नाम उचारियत अनंत दुख तारियत। तल जाएंगे दुखा की निवृत्ति हो जाएगी तुहाडा नाम जपण दे नाल। तवेव तवक नाम रतियन तवक मैंने तुहाडा तुहाडे नाम चिरता रहांगा। तवक नाम रतियन ना आन मान मतियन होर किसी मतियन मैंने मत मैं नहीं मनांगा। ते सतगुरु जी कहते हैं जागत जोत जपे निसर एक बिना मन लैक न आने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोद बड़ी मत भूलना माने तीस दान दया तप संयम एक बिना न एक पछाने पूर्ण जोत जग घट में तब खालस ताहे न खालस जाने। सतगुरु जी कहते मैं खालस तुसी खालस भेजन लगे हो तो मैं खालस रहा। कोई तब्दीली नहीं होगी जो आखोगे वो होगा। ये वचन हो गए ये वादे हो गए तो फिर तुम सुनते हो ठाण प्यो मैं जोर कर वचन कहाँ सजाए पंथ चले तब जगत ने जब तुम करो सहाय। प्रभु जी ने कहा मैं अपना सुध मैं अपना पुत्र बना के तुम भेजन लगा मैं अपना सुध तो ही निवाजा पंथ परचर कर बे को साजा जहां तहां तुम धर्म चलाए खुद करते लोग हटाए। ते सतगुरु पातशाह चरणा ते अकाल पुरख के चरणा ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शीश नवाया। ते सतगुरु जी कहते फिर तई प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे भग लो ते फिर असि संसार ते आए ते आ कार्ज ते आ शब्द सतगुरु जी बयान करे Yeah.